नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज आप बेल्ट्रॉन, जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिल्कुल, जी हाँ, चाहे आप महिला हैं या फिर पुरुष, कह सकते हैं कि अगर मेल फीमेल कोई भी हो और कंप्यूटर के रिवीजन को लेकर चिंतित है कि भाई मेरे पास जो है अपना सिस्टम नहीं है, लैपटॉप नहीं है और मैंने इंस्टीट्यूट में जो है लिया है और रिविजन करना चाहते हैं, या आप या फिर कुछ भी नहीं जानते हैं, तब भी दोस्तों ये वीडियो बहुत ही काम की है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, इस वीडियो में आप जैसा कि देख रहे हैं कि करना क्या है, हर एक पॉइंट को मैं आपके सामने रखूंगा जिससे कि आपको जो है आसानी से सब कुछ समझ में आने लगे। देखिए यहाँ पर देखिए जो बार है, देखिए एग्जाम में क्या है समझ, अगर 60 क्वेश्चन है और आपके पास समझ ही नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन मतलब जानते हुए भी नहीं, क्योंकि भाषा जो है भाषा बिल्कुल भी आपके समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि हिंदी, अगर हिंदी माध्यम से हमने पढ़ाई की है तो जो कठिन कठिन जो है शब्दों का लिया गया है, मतलब आसान बातों को भी जो है कठिन कर दिया गया है, और इंग्लिश में है तो कोई बात नहीं है क्योंकि इंग्लिश में ही सारे के सारे कंप्यूटर्स हैं। देखिए यहाँ पर देखिए फाइल्स है, ठीक है फाइल, इसके बाद जो है मेनू बार में फाइल है ये, उसके बाद है तो होम, फिर इंसर्ट, और ये है तो पेज लेआउट। देखिए ये पूरा दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और इसमें लेटेस्ट, ये दोस्तों कह सकते हैं 23-24 से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे उनको पूछा जाएगा, तो चीजें ही रहेगा लेकिन पूछ लिया वहाँ जाएगा, लेकिन बेसिक कहते हैं ना कि बेसिक या कंसेप्ट आपका क्लियर है तो फिर आपको कभी भी सोचना नहीं होता है। तो देखिए इंसर्ट के बाद जो हमारा मेनू बार है, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और पेंस। ये पेंस क्या है दोस्तों, ये अलग से एक सॉफ्टवेयर है, कह सकते हैं जब आप पेन टैबलेट का यूज करते हैं तो एक अलग से हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको होम पर लेकर आया हूँ, यहाँ देखिए ये होम है, ठीक है होम में ये बहुत सारे आपको आइकन यहाँ देख रहे होंगे, पहला देखिए क्लिप बोर्ड आपको दिख रहा है ना, क्लिप बोर्ड, ये क्लिप बोर्ड है, और क्लिप बोर्ड के बाद दोस्तों दूसरा है फॉन्ट, तीसरा आपको देख रहा है पैराग्राफ। अब देखिए क्लिप बोर्ड में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर जो है आइकन्स है, फॉन्ट में बहुत सारे आइकन्स है, पैराग्राफ में बहुत सारे आइकन्स है, और स्टाइल में बहुत सारे आइकन्स है, फिर देखिए यहाँ जो है एडिटिंग वगैरह है, तो मतलब आपको जो दिख नहीं रहा तो चेंजेस है, यानी कह सकते हैं ये जो होम्स है, होम के अंदर बहुत सारे चीज अवेलेबल है। जैसे देखिए दोस्तों अगर मैं कहूँ कि जैसे ये पेस्ट देख रहे हैं आप, ठीक है, पेस्ट का क्या मतलब है, पेस्ट मीन्स पेस्ट का शॉर्टकट होता है, दिख रहा है ना आपको, या आप स्क्रीन को बड़ा करके देख सकते हैं, पेस्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, यानी कभी आप कॉपी करेंगे तभी आप पेस्ट करेंगे, तो कंट्रोल सी पहले आप करना होगा, कंट्रोल सी कर लेंगे तब आप कंट्रोल वी करेंगे तो वो चीज जो कि आपने कॉपी किया हुआ पहले से वो आपको पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझना है क्या बात, किस बात को समझना है, जैसे देखिए तो आप समझ रहे होगे ना कि पेस्ट को फिर से देख लीजिए, पर कंट्रोल वी, ठीक है कंट्रोल वी यहाँ पर लिखा हुआ है, कंट्रोल पेस्ट कंट्रोल वी के नीचे कि क्लिक हियर फॉर मोर ऑप्शन सच एज पेस्टिंग ओनली द वैल्यूज और फॉर्मेटिंग। अब ऐसा लिख दिया जाए तो जाहिर सी बातें नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब मैं कह दूं कि भाई कोई चीज को जब आप कट करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं यानी कट करके दूसरे जगह या आप रखते हैं, या कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल एक्स जो कि आप वो भी कंट्रोल वी से आप कर सकते हैं, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स, यहाँ कैची बना हुआ, सीजर बना हुआ, कट लिखा हुआ और कॉपी लिखा हुआ और फॉर्मेट प्रिंटर है, बहुत सारी चीज पे फोकस नहीं करना है, कुछ बेसिक चीजें जो है आपको जानना है और उसे जानकर आप अच्छे से जो है सीख सकते हैं। देखिए मैं बहुत ही मुझे जाहिर सी बात है मैंने कभी कंप्यूटर सीखा नहीं, और लेकिन जाहिर सी आता है, इसका कारण क्या है कि शुरू से मैंने टाइपिंग किया है। अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आपको जितने सारे कीवर्ड्स 101 वर्ड की होते हैं वो सारे सारे आपको यूज में जब आ जाते हैं तो आपको समझ में आने लगता है क्या होता है। अब बचा ये दोस्तों, देखिए मैंने शुरू शुरू में अगर आप कहीं कोचिंग क्लासेस करते हैं तो बहुत स्टार्टिंग में आपको बहुत शुरू में, या शायद आज भी
नहीं दिया जाता है, ठीक है, सिस्टम नहीं देते हैं लोग, और थ्योरी पे ज्यादा फोकस, थ्योरी देखिए थ्योरी देखिए, कारण है कि उनका कंप्यूटर या लैपटॉप या जो भी सिस्टम है पीसी है वो खराब ना हो जाए, इसकी वो हमेशा ध्यान रखते हैं, और ये आप बात अच्छी तरह समझते होंगे। तो देखिए पेस्ट था, ये क्लिप बोर्ड की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फॉन्ट होता है। फॉन्ट में क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फॉन्ट में ये बी से बोल्ड होता है, आई देखिए बी से बोल्ड होता है, तो कंट्रोल बी जब कर देंगे किसी चीज़ को, जब पकड़ लेंगे ऐसे जैसे करते हैं टेक्स्ट कर लेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे करके आ जाता है। दोस्तों जैसे कि दिस लिखा हुआ है, और दिस के बाद जो है मैं यहाँ पर आपके लिए टाइप करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि दिस के लिए और भी चीज आ जाते हैं, दिस इज ए कार, ठीक है, चलिए कार में लिख दिया, फुल स्टॉप दे दिया, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए क्या करना, जैसे कि आप माउस से भी कर सकते हैं, या आप माउस से कर सकते हैं, या शिफ्ट दबाइए, फिर एरो, तीन एरो होता है ना ऊपर नीचे का, तीन एरो, वहां से इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करके आप कंट्रोल सी दबाएंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे, मैंने दबा दिया, देखिए आप ब्लिंक करेगा यहाँ पर, कंट्रोल सी दबाया मैंने, ब्लिंक किया, या आप देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं कंट्रोल सी के बाद, कि कैसे करना है, तो कंट्रोल सी दबाया, और कंट्रोल सी के बाद आप जैसे कि ये है इस तरह से पकड़ सकते हैं माउस से, ठीक है, अब यहाँ से माउस से पकड़ते हैं और जो है राइट क्लिक करेंगे तो बहुत कुछ खुलता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपने, मैंने बताया आपको कि ये मैंने किया और राइट क्लिक किया, तो मतलब कि राइट क्लिक किया माउस से, या टच पैड में भी डबल क्लिक करके कर सकते हैं, डबल फिंगर रख के, तो यहाँ से देखिए कॉपी मैंने कर लिया, कॉपी किया यहाँ पर, मैंने रख दिया मैंने रखा कर्सर को, अब सिलेक्ट नहीं है, ठीक है, अब जो है सिलेक्ट नहीं है, और अब कंट्रोल भी मैं मार दे, मैंने मारा कंट्रोल भी मारा, अब देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर कंट्रोल जो है पेस्ट वाला एक या फॉर्मेटिंग वाइज फॉर्मेटिंग यहाँ पर टेक्स्ट ऑनली की बात है। तो चलिए इससे आपको नहीं और मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पर मैंने रखा फिर से, और यहाँ देखिए फिर से मैं डबल क्लिक करके खोलता हूँ, अब जो पेस्ट नहीं है तो यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हैं, फिर देखिए स्पेस देकर जो है आप कंट्रोल भी मारिए, और इस तरह से जो है कंट्रोल भी 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 मारते रह सकते हैं, ठीक है, आपने देखा, अगर मान लीजिए कि कंट्रोल भी से तो आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है, अगर मान लीजिए कि कंट्रोल ये पूरा मैंने लिया और इसको सिलेक्ट किया यहाँ से पकड़ के, इस तरह से फिंगर से माउस से कर सकते हैं, अब ये देखिए ब्लैक हो गया है, ब्लैक मतलब कि अपने आप में एक शेडो अपने बनाया इसने, तो अब जो है यहाँ से डबल क्लिक या माउस करके आप इसे कैची है ना, ये कैची जो है हमारा सीजर है, जो कट करते हैं, तो देख रहे हैं आप क्या हो रहा है कि यहाँ से सारा का सारा गायब हो गया। अब मैं यहाँ पर वापस ले जाता हूँ, यहाँ पर स्पेस देकर कंट्रोल लेके फिर से आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ऐसे करता हूँ, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ से कंट्रोल भी मैंने मारा है, यानी आ गया वापस। अब एक आपको लग रहा कि मजाक है, तो टाइप तो मैं नहीं कर रहा हूँ, अब भी कंट्रोल फिर से मैं भी मारता हूँ, आपको लग रहा है ना कि हाँ, अब यहाँ से फिर से देखिए आप कंट्रोल भी का यूज, फिर से देखिए आ गया, बहुत सारा आया क्योंकि नीचे चला गया है। अगर बात करते हैं इस तरह से इसको सटा लेते हैं, या मान लीजिए इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने का भी तरीका, जैसे कि मान लीजिए ये है कर्सर है हमारा, और कर्सर को दो बार अगर एक बार क्लिक करेंगे तो वो वर्ड पकड़ेगा जहाँ पर वो रखा हुआ है, अगर दो बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि एक सेंटेंस पकड़ाता है, और तीन बार क्लिक करेंगे या थोड़ा सा तीन से चार बार हो जाता है तो पूरा का पूरा लाइन पकड़ा जाता है। अब यहाँ से पूरा लाइन सिलेक्ट हो गया, और इसे जो है तो आप यहाँ से कट कर सकते हैं, कट कर दिया मैंने, या कह सकते हैं कि पूरा का पूरा मैंने कट किया, कट तो कर दिया। अब देखिए पेस्ट में करता हूँ, कुछ दिख नहीं रहा होगा, नहीं दिख रहा, अब यहाँ से खुल सकता है, और सीधा यहाँ से मैंने पेस्ट किया, फिर मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है, तो नीचे आ रहा है एक, तो ये आपने देख लिया, ये चीज़ यहाँ से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, देखिए देखिए यहाँ से देखिए बढ़ेगा, ठीक है, फिर से मैं यहाँ लेता हूँ, और देखिए ये जो अंतर है वो आपको ये बता रहा है भाई किस तरह से हो रहा है। अब चलिए एक फिर से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ये सीखिए बहुत जरूरी है, कंट्रोल सी यानी कि कॉपी, अब पूरा लेना होगा, ठीक है, कंट्रोल C
सी से कॉपी और इसको यहाँ मैंने रखा और उसके बाद देखिए कंट्रोल वी, फिर से राइट क्लिक करके कंट्रोल वी, क्योंकि दिखता है इसलिए कंट्रोल वी नहीं दबा सकते हैं, आपको कीबोर्ड से कंट्रोल वी देखिए तेजी से करना होगा। ठीक है, तेजी से मैंने किया तो कितना सारा कंट्रोल वी जो है हो गया है। दोस्तों आपने देखा कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यानी कॉपी एंड की यानी पेस्ट दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये एक वर्ड है, ठीक है, जैसे कि आप दिख रहे हैं दिस इज ए कार, ठीक है, दिस इज ए कार, इसको काट करते हैं इज ए कार। अब इसको देखिए बी कंट्रोल बी भी कर सकते हैं, आपको दिख रहा है बोल्ड, कंट्रोल बी से क्या होता है बोल्ड, मेक द सेलेक्ट टेक्स्ट बोल्ड, लेकिन मैं यहाँ से एरो से ही मतलब आइकन से ही जो करूँगा तो कंट्रोल देखिए अब क्या हो गया, ये ब्लैक हो गया, ज़्यादा बोल्ड ज़्यादा काला हो गया, ये नहीं। अब इसको मैं करता हूँ ताकि आपको और भी समझ में आए, ये मैं पकड़ा और इसको मैं हटाऊँ और देखिए ये मैंने पकड़ लिया और यहाँ ही देखिए जस्ट जैसे पकड़ा वैसे ही खुल जाता है बॉक्स टाइप का आपका आइकन्स का, देखिए यहाँ कंट्रोल यहाँ हो गया। ये देखिए ये जो है ऊपर वाला ब्लैक है ना बोल्ड है और नीचे वाला, अब देखिए ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं ऐसे मैंने फिर से पकड़ा वापस और अब इसे जो है मैं कंट्रोल आई कर दूंगा, कंट्रोल आई जिसे आपको ये दिखा तिरछा दिख रहा हुआ नहीं, अगर क्लियर हो रहा है तो देखिए फिर से आपको यहाँ पर मैं फिर से पकड़ूंगा इसे और कंट्रोल आई करूंगा, देखिए क्या होता है कि ये तिरछा हो जाता है इटैलिक हो जाता है, आई फॉर इटैलिक, आई से क्या होता है इटैलिक होता है। और दोस्तों उसके बाद अगर इसी में ये मैं कर देता हूँ ये कंट्रोल यू, तो देख रहे हैं कि एक लाइन छोटी सी लाइन खींचा जा रही है, यहाँ तो लाइन नहीं है आप देख रहे हैं यहाँ लाइन नहीं है, मैं पकड़ कर अब कंट्रोल यू मैंने किया यानी यू किया जिससे कि ये हो जा रहा है क्या अंडरलाइन, क्या हो जा रहा है अंडरलाइन। देखिए दोस्तों धीरे धीरे आपको एग्जाम्स तो आ ही रहे, जितने लोग देखेंगे उतना ही बेनिफिट्स होगा और लास्ट तक देखेंगे उनको ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। देखिए ये जो हो गए क्या हो गया अंडरलाइन हो गया। अब देखिए यहाँ पर अंडरलाइन जो मैं कर रहा हूँ तो एक यहाँ पर बुलेट मतलब कह सकते हैं एक विंडो टाइप का है जिसे मैंने यहाँ खोल दिया और ये से ये देखिए ये मैं लाइन लूँगा तो इस तरह का लाइन चेंज हो जाएगा, देखिए लाइन चेंज है डबल लाइन चेंज हुआ। और अगर मैं इसे फिर से चेंज करना चाहूँ तो फिर से मैं यहाँ जाता हूँ और इस तरह का लिया मैंने तो अब देखिए ये जिगजैग टाइप का हो गया, ठीक है जिगजैग हो गया। अगर फिर से मैं पकड़ू इसे और यहाँ से खोलता हूँ ठीक है इसका की और फिर इसको स्क्रॉल कराकर देखता हूँ भाई और कितना है, ठीक है तो इतना ही है फिलहाल। मोर लाइन मोर अंडरलाइन या कलर जिसे कलर देना है, ठीक है कलर देना है इसको तो जाहिर सी बात है रेड में देता हूँ, देखिए रेड में ही है। फिर से मैं लाइन चेंज करता हूँ और यहाँ से ताकि आपको थोड़ा डार्क कलर देखिए डार्क दिख रहा है, ठीक है अगर इसकी लाइन की बात करते हैं तो इसमें कलर देना होगा तो यहाँ से जाकर यहाँ पर अब मैं ग्रीन दे रहा हूँ तो आपको दिख रहा है। या आप इस तरह से मल्टीपल स्टैंडर्ड या कस्टमाइज कर सकते हैं कलर को, इसको ले सकते हैं या ग्रीन को ले सकते हैं, लेकिन लिया तो ग्रीन हो गया, ये पतला दिख रहा है ना इसको मैं मोटा करता हूँ थोड़ा सा और तो ये देखिए अब मोटा दिख रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि ये दोस्तों अंडरलाइन वाले फंक्शंस में देखिए फंक्शंस में आता है। और अब देखिए जैसे कि ये चीज दिख रहा है फॉन्ट, ये है फॉन्ट वाला, अब यहाँ मैं क्लिक करता हूँ देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ फॉन्ट को बोलते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, अगर आप सिलेक्ट करके करते तो ड्रॉप बॉक्स जो खुल जाता है कंट्रोल फॉन्ट फॉन्ट क्या क्या है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, ठीक है चलिए इसको हटाएं और फिर से यहाँ देखिए कंट्रोल सॉरी शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ चेंज द फॉन्ट फेस। जैसे देखिए मान लीजिए कि मैंने अभी आपने देखा ये कि ये है इसको मैंने सेलेक्ट किया ठीक है और इसे जो है हिंदी मैंने कर दिया क्योंकि हिंदी में ही लिखा रहेगा, हालांकि कोई इसका मतलब नहीं पड़ रहा क्योंकि वो इंग्लिश वाला था लेकिन अब इंग्लिश में ही चेंज करते हैं तो देखिए जैसे ये जॉर्जिया है इस तरह से देखिए सुंदर बहुत सुंदर लिखने के लिए डिजाइन कैलीग्राफी तरह तरह के लिखने के लिए तो ये जैसे स्टार है। अगर मैंने एरियल बैग लिया देखिए इस तरह से लिखाता है अगर दोस्तों अगर जो है
यहाँ से फ्री फॉन्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैक्सिमम फॉन्ट्स आपको मिल जाता है। जैसे देखिए आप ये अल्जेरियन लेते हैं तो इस तरह दिखता है, या आप देखिए इसको मैं फिर सिलेक्ट करता हूँ दूसरा नेक्स्ट, और यहाँ से फॉन्ट को चेंज करके ठीक कंट्रोल से प्लस एफ करके भी हो सकता है, या माउस देखिए ड्रॉप इतनी सारे ये हैं तो कितना है आपको जो भी अच्छा लगता है। ज़्यादातर लोग एरियल कैलिब्रे न्यू टाइम्स रोमन ये सब हिंदी के देख सारे सारे के सारे जो है यहाँ पर है। देखिए हिंदी के इतने सारे जो भी मेरे काम के होते हैं इसलिए इतना हिंदी का मैंने दे रखा है ठीक है। और देखिए बेल्टॉन के एग्जाम में तो मंगल फॉन्ट आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अब इसे देखिए ये सारे के सारे हैं, आपको कौन सा साइन वाले ले सकते हैं, कोई भी ले सकते, मान लीजिए ये मैंने ली, देखिए क्या होगा कार है ना, जैसे कार आप देखिए इसका ये वाला फॉन्ट में और इस फॉन्ट में कौन सा अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये जो पूरा पूरा छोटा एक कैपिटल था, बाकी सब तो छोटा था स्मॉल था, लेकिन इस वाले फॉन्ट में जो है मान लीजिए ये जो अल्जेरियन है सभी के सभी बड़े हो गए हैं ठीक है। इस वाले फॉन्ट देखिए रॉक बेल्स एक्स्ट्रा में, और ये वाला जो है वैसा कैलिब्रे बॉडी है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे चेंज भी हो रहा है। तो दोस्तों आपने ये देखा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि अभी और बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, और जिसको जो है टेक्स्ट जब एक पूरा एप्लीकेशन हिंदी में लिख लेते हैं उसके बाद बहुत मजा आएगा करने में, या इंग्लिश में लिख लेते हैं तो वो भी देखेंगे। दोस्तों इस तरह के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए अगर जानते हैं तो। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्योंकि तो इटैलिक भी है ना, इटैलिक भी है, और इस वाले में लेते हैं नहीं ये जो क्लीन इसमें लेते हैं, या यहाँ पर रख लेते हैं एक ठीक है, यहाँ पर एक लिख दिया मैंने, एक देखिए एक आ गया, एक तो आ गया, लेकिन एक का क्या यूज है। मान लीजिए कि कभी आपको देखिए करना क्या होता है कि ये एक है, अब देखिए इसको कर रहे थे क्या होता है, ये ऊपर चला गया, जैसे पावर हम लोग देते हैं ना पावर, ये ऊपर चला गया कि नहीं, एक्स ऊपर में है तो पावर हो गया, अगर इसको देंगे तो नीचे चला गया, यानी कि अक्षर के नीचे है। हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया ये नीचे आ गया। चलिए इसके बगल में दोस्तों अब फॉन्ट हिंदी वाले लिख लेते हैं, जैसे हिंदी अभी तो वहाँ नहीं, इसमें लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, और यहाँ से एक फॉन्ट बदल लेते हैं अपने मुताबिक जो कि कृति देव होता है। कृति देव 20 है, जाहिर सी बात है आप जब जॉब में आएंगे वेल्ट्रॉन के थ्रू तो कृति देव 10 में यूज होता है, तो कृति देव 10 आपको यहाँ से किधर उधर बदलने आता नहीं है। तो इस तरह से ये सिंपल वाला ले लिया जाता है, और इसके वजह से लिखा जाता है मान लीजिए कि बेल्ट्रॉन लिखना है ठीक है, बेल्ट्रॉन लिखना है तो ब है ना, इस तरह से देखिए एल ट, और इसके बाद दोस्तों आपको लेना होगा ट्र के लिए अल्ट 171 देखिए अपने अल्ट 171 लिया, और देखिए आकार दिया और ना दिया, बस बेल्ट्रॉन में लिख दिया, इससे बड़ा मैं लिख दिया। एक सबसे बड़ी बात कि ये जो आप देख रहे हैं ठीक है, ये वाला जो वर्ड बेल्ट्रॉन में लिखा अभी आपको छोटा दिख रहा है ठीक है, छोटा दिख रहा होगा या तो पकड़ लेते हैं छोटा दिख रहा है, जाहिर सी बात है। अब इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, सब चीज़ दिखेंगे, टैली कर देता हूँ, टेढ़ा हो गया, अंडरलाइन कर देता हूँ ठीक है। इसमें कलर जाकर ग्रीन की जगह मैं येलो नहीं, मोर में जाके देखते हैं येलो ले लेते हैं ये वाला ठीक है, ये जो कलर है इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, आप देखिए बेल्ट्रॉन अभी साइज में 11 पॉइंट पर है, ये जो देख रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी यानी फॉन्ट साइज, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट एफ से था फॉन्ट, अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाइए शिफ्ट प्लस पी दबाइए तो ये हो जाता है हमारा फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज बदल सकते हैं, यहाँ से जितना रख सकते हैं जो आपको दिख सकता है, मान लीजिए मैंने 28 लिया, देखिए ये जो है दोस्तों ये है 11 पर ये है 28 पर ठीक है, ये क्या है ये 11 पर है, कहीं भी रखेंगे तो 11 दिखेगा, देखिए ऊपर मैंने यहाँ पर 11 दिख रहा है और इसमें रखेंगे तो देखिए 28 दिख रहा है, जो सिलेक्ट किया वो सारे के सारे दिख रहे हैं ना। तो ये है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं चूंकि अभी ये है ना तो इटैलिक है, तो ये ऐसे करके
कंट्रोल आई या यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये सिंपल रहता है अन इटैलिक। ठीक है, अगर मैं इसे ये हटाता हूँ तो ये जो अंडरलाइन ही समाप्त हो गया, ये कलर है क्योंकि वो गलत बता रहा है, इसलिए कलर आपको यहाँ पर दिख रहा है। बोल्ड भी हटा दूंगा तो सिंपल हो जाएगा। अब देखिए ये जो लाइन आ रहा है आपका, एक भाई एक लाइन आ रहा है, और जाहिर सी बात है ये लाइन को मैं वाइट कर देता हूँ तो ये जो दिख रहा है तब भी दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं है ये सारे के सारे जो है रॉन्ग रॉन्ग प्रूफ करते हैं, जो है रॉन्ग है, क्या है रॉन्ग है ये, तो इसको आप समझना होगा कि रॉन्ग क्या है और मतलब कि राइट क्या है। तो रॉन्ग वर्ड समझता है विंडोज जो है कि कोई हिंदी का ये रॉन्ग वर्ड वो समझता है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज था। अब दूसरी बात जो है, तो यहाँ पर हम लोग जो रखेंगे वन रखते हैं, वन में रख लिया और वन को जो है पावर में ले जाते हैं। ठीक है, ये बार बार मेरा आ जा रहा है, तो देखिए इसको इसको सिर्फ लेना वन को लेना। तो वन को कैसे लेंगे, मान ली तरह नहीं हो तो आपको करना क्या है कि शिफ्ट दबा दीजिए और एरो से की पकड़ सकते हैं। देखिए एरो से मैंने पकड़ लिया सिर्फ एक लेटर को, सर एक नंबर को पकड़ा और यहाँ से जो है इसको देखिए ऊपर ले गया। ठीक है, पावर में चला गया, अगर नीचे ला जाए तो यही चला गया। ठीक है, देखिए वापस से कहीं सेलेक्ट नहीं, ऊपर गया, ये नीचे है, यहाँ से देखिए ऊपर में, यहाँ माउस देखिए मेरा ऊपर नीचे इसको समझना है। ठीक है, तो ये है दोस्तों। अब देखिए अगर नहीं कुछ रखना है तो दोनों तरफ से हटा देंगे। अब ये तो हो गया इसको, अब ये देखिए मान लीजिए कि वन है, वन को अगर आप ऐसे करते हैं देखते जाइए कौन बढ़ रहा है ना, यानी कंट्रोल प्लस पी को यहाँ स्कैल शॉर्टकट कीजिए। ठीक है, देखिए कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया इसको देखिए इस तरह से, या आप इसे स्मॉल से भी यहाँ जो स्मॉल दिख रहा है इससे स्मॉल कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल कर सकते हैं ना। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे इसी टॉपिक पे, क्योंकि मतलब ये देखेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको भाव नहीं आपको फील होगा। तो इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। मिलते हैं।